नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसी मंत्रा समझने जा रहा हूँ जिसको आप जानकर आपकी सारी गलतियों को आप ठीक कर सकते हो। और ये मंत्रा क्या है, चलिए जानते हैं। तो ये मंत्रा ये है कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग अपने से ज़्यादा दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि दूसरों की गलतियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो हमेशा से देखते हैं कि दूसरे क्या गलती कर रहे हैं और उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिंच करते रहते हैं, उनके ऊपर दोषारोप देते रहते हैं, उनको गलत बताते रहते हैं। लेकिन ये इसका उल्टा करना चाहिए, यानी कि वो अपने आप को हमेशा पिंच करना चाहिए, अपनी गलतियों को जानना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ अपनी गलती को सुधारना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप अगर कहीं एक माहौल में फंस गए हो जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव एटमोसफियर है और बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, तो आपको एक अच्छी काम करनी है कि आप पहले तो शांत हो जाओ, प्योरिटी शांत, और ऑब्जर्व करने लगो उस माहौल को और ह्यूमन बिहेवियर को, क्या उस समय में हो रहा है और उस सिचुएशन में हो रहा है। एक स्टडी से पता चला है कि अगर आप शांत मस्तिष्क से निर्भीतापूर्वक बिना पोल पोल हाट किए, बिना अपने मस्तिष्क को इधर उधर चीज़ें से लगा के रखे, शांति से अगर अपने आपके काम को और बाहर के ह्यूमन बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व करो, तो आपको अपने ऊपर स्वावलंबता मूलक एक प्रतिक्रिया आएगी, यानी कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी की तरह अपने आप को देखने लगोगे और आप ह्यूमन बिहेवियर को सीखना शुरू कर दो उस समय से, यानी कि कैसे आदमी खुश होता है तो वह बिहेव करता है, कैसे वो नाराज होता है तो बिहेव करता है। इस सभी बिहेवियर को आप नोट करो अपने दिमाग में, और बाद में जब आप कुछ इस तरह की सिचुएशन में पड़ो तो उसका सलूशन आपको अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि उस समय आपकी जो तरीका ढूंढी थी अपने आप को संभालने की और ह्यूमन बिहेवियर को ढूंढ लिया था, उसकी क्वेश्चन अपने आप को मिल जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप उसको एक बार करके देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाए कि अगर आप एक स्टेट ऑफ माइंड, एक डिसिप्लिन, एक शांतिपूर्ण एटमोसफियर लाइक ए योगी चले जाते हो, तो आपके आसपास के चीज़ें सब रुक जाती है। रुक जाने का मतलब आपके माइंड, आपके मस्तिष्क से फालतू चीज़ें घट जाती है और आप एक शांतिपूर्ण सांस छोड़ते हो, अपने आप के ऊपर भरोसा करते हो। ये करना आसान तो नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि मैं, मेरे पास की सिचुएशन और मेरे पास की ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे बोलकर एक गहरे सांस छोड़ो और देखने लगो। क्या आपको ये थेसिस पसंद आई, क्या आपको ये उपाय पसंद आया, ज़रूर कमेंट करके बोलना। धन्यवाद।